हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिला कांग्रेस ने देश में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने और भारत के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने की मांग को लेकर जिला प्रभारी सचिव भूराराम सर्वे के नेतृत्व में शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि देश में कोविड-19 से करोड़ों परिवार पीड़ा में है, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से मानो पल्ला ही झाड़ दिया है। केंद्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रही है, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। केंद्र सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की और एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमतें तय कर दी, जिससे आम आदमी आपदा में लूटा जा रहा है। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष एवं भीनमाल के पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित, कांग्रेस नेता सभाराम पटेल, जालौर नगर कांग्रेस अध्यक्ष जुल्फिकर अली भुट्टो, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शोभा संदेश, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जवाना राम माली, रमेश सोलंकी, मिश्रीमल गहलोत, लीला राजपुरोहित, योगेंद्र सिंह कुंपावत, ओम सिंह चांदराई, हीरालाल बोरा, पार्षद लक्ष्मण सांकला, बसंत सुतार, भरत सुतार, रमीला मेघवाल, भवरलाल मेघवाल, आम सिंह परिहार, सुष्टिमता गर्ग, ममता माली, लक्ष्मी मीना, लक्ष्मीकांत दवे, पुकराज माली, अमीन खान, सलीम मोयला, महेंद्र सोनगर समेत कई लोग उपस्थित थे। बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला प्रभारी सचिव भूराराम सर्वी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। इस विकट स्थिति में वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ स्थायी समाधान है। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस विकट स्थिति में भी राजनीति कर रही है और बिना योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष डॉक्टर समरजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करवा रही है। राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर भी किए, लेकिन केंद्र की नीतियों के कारण वे राज्यों को आपूर्ति का मना कर रहे हैं। यही गति रही तो आगामी 3 साल तक वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर परिसर में प्रवेश किया। जागरूक टीवी की जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।